टाइम बहुत कम रह गया है, एक और चीज़ जो आपको बतानी है, एक सर्वे हुआ है पाकिस्तान में और कोरोना वायरस के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन करने के फैसले पर अभी तक बहस चल रही है, अब उस सर्वे में क्या निकला क्या नहीं, जरा पहले थोड़ा सा देख लें। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान भर में लॉकडाउन किया जा रहा है। अवाम इस फैसले को किस हद तक सपोर्ट करते हैं ये जानने के लिए गैलप पाकिस्तान ने मुल्क भर में सर्वे किया। लॉकडाउन की हिमायत या मुखालिफत के सवाल पर सर्वे में शामिल 68% अफराद इस फैसले के मुकम्मल हामी नजर आए, जबकि 26% ने इसके बरक्स राय दी और लॉकडाउन की मुखालिफत की। 6% ने इस बारे में कोई वाज़ेह मौकिफ नहीं दिया। लॉकडाउन की सर्वे में सबसे ज्यादा मुखालिफत घरेलू खवातीन ने की, जिनकी शरह 47% नजर आई। इसके बाद सर्वे में 30% काश्तकार, 29% ताजर, 24% यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर और 22% निजी दफातर में काम करने वाले अफराद ने लॉकडाउन की मुखालिफत की। इसके बाद अगले 6 माह में मौशी हालात में बेहतरी की उम्मीद के सवाल पर अवाम बटे हुए नजर आए। सर्वे में 40% अफराद मुस्तकबिल में मौशी हालात से मायूस दिखाई दिए, जबकि 41% ने बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। 11% ने राय दी कि वो ना ही बुरे हालात की उम्मीद कर रहे हैं ना ही अच्छे। 9% ने इस पर बात करने से गुरेज किया। वो इन फेवर ऑफ लॉकडाउन में 26 जो है वो इन फेवर नहीं है और ज्यादातर उसमें घरेलू खवातीन हैं जो अगेंस्ट हैं लॉकडाउन, क्योंकि वो अपने बंदों के घर बैठने से तंग आ गई। हम इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। सी यू टुमारो।